समागणी दोस्तों, जय भवानी। एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल व्हील्स ऑफ विस्की के अंदर। और दोस्तों, जो विस्की आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अनबॉक्स करने के लिए, नोजिंग के लिए, वो है रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट विस्की। दोस्तों, पर्नो रिकार्ड जो कंपनी है, जो फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, उन्होंने रॉयल स्टैग का प्रीमियम वर्जन लॉन्च किया था विद द नेम रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट इन द ईयर 2011 के अंदर इंडिया में लॉन्च हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने गल्फ कंट्रीज में और फ्यू एशियन कंट्रीज में इस विस्की को लॉन्च किया था। अब लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण था कि इसको पोजिशनिंग रखी गई मार्केट के अंदर रॉयल स्टैग विस्की प्लस ब्लेंडर स्प्राइट विस्की के बीच में, क्योंकि जो बीच का स्पेस था वो एम्प्टी था। वो चाह रहे थे कि इसको किसी प्रीमियम विस्की से फुलफिल कर दिया जाए और इसी कारण से कंपनी ने लॉन्च करी ये प्रीमियम विस्की। अब रॉयल स्टैग जो ब्रांड है वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, मार्केट का बाहुबली कहा जाता है। तो रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट को ओरिजिनल रॉयल स्टैग से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, इसके लिए कंपनी ने काम किया इसकी पैकेजिंग पे। और इसी कारण से यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग कंपनी और कंसल्टेंट जो है कार्टिल्स, उनको हायर किया। और कार्टिल्स ने करा क्या, इसकी ब्रांडिंग पे, पैकेजिंग पे, इसकी बॉटलिंग पे, उन सब पे काम किया और उसको बेहतर तरीके से निखार के लॉन्च किया रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट के रूप के अंदर। उन्होंने करा क्या, रेक्टेंगुलर शेप बॉटल तो रहने दी बट उसको थोड़ा बहुत टैपर्ड कर दिया। और अगर आप इसका लोगो देखेंगे तो लोगो भी रॉयल स्टैग का ड्यूल शेप के अंदर इन्होंने मार्केट के अंदर प्रोवाइड कराया, जिससे कि इसको एक अलग लुक मिल सके, एक प्रीमियम लुक मिल सके। अब आखिर ये विस्की बनी कैसे है, तो इस विस्की को बनाने के लिए यूज़ किया गया है स्कॉटिश मॉल्ट्स प्लस इंडियन ग्रेन्स और उनके ब्लेंड से इस विस्की को तैयार किया गया है। अब रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट विस्की का जो मेकिंग प्रोसेस है वो रॉयल स्टैग विस्की से थोड़ा डिफरेंशिएट है। अब डिफरेंशिएट कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट स्कॉटिश मॉल्ट थे और जो इंडियन ग्रेन स्प्रिट्स थी उनको ब्लेंड किया गया, और ब्लेंड इनको करने के बाद जब एक फ्लेवर निकला, जब एक एरोमेटिक और स्मूथ फ्लेवर निकला, तो उस फ्लेवर की विस्की को स्टोर किया गया हैंडपिक बैरल्स के अंदर। और उन ओक बैरल के अंदर इसको जब तक स्टोर किया गया तब तक ये अचीव ना कर ले पैरामीटर्स, रेसिपी जो तैयार की गई थी रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट की। और जब वो रेसिपी पूरी प्रिपेयर हो गई, रेडी हो गई ओक्स के अंदर, तब उससे इसकी बॉटलिंग बनाई गई और इस विस्की को रेडी किया गया, कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट किया गया। अब हम देख लेते हैं कि बॉटल एंड बॉक्स पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो दे रखी है कंपनी द्वारा। स्टार्ट करता हूँ मैं बॉक्स से। सबसे ऊपर सीग्रम्स का नाम दिया हुआ है, उसके ऊपर जो स्टैग है, स्टैग का लोगो बना रखा है, रॉयल स्टैग ब्रांड का नाम है, बैरल सिलेक्ट इनका जो वेरिएंट लॉन्च किया था प्रीमियम सेगमेंट के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है क्राफ्टेड यूजिंग सोलेरा प्रोसेस। अब सोलेरा प्रोसेस आखिर क्या है, इसको मैं सेपरेट समझाऊंगा, अलग तरीके से समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर आगे जाके। तब तक हम आगे चलते हैं कि बॉटल में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सोलेरा प्रोसेस के बारे में, थोड़ा और यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बैरल सिलेक्ट और रॉयल स्टैग लिखा हुआ है, और जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करनी है पर्नो रिकार्ड, उसका नाम और जहाँ पे ये बॉटल बन रही है, बॉटलिंग हो रही है, वहाँ का एड्रेस दे रखा है राजस्थान के अंदर, लाइसेंस नंबर FSSI नंबर दे रखा है। और उसके बाद जो सेफ्टी गाइडलाइन है वो लिखी हुई है कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ वी ऑल नो एंड वी हैव टू फॉलो दिस ऑल्सो। 75% प्रूफ है, 750 ml क्वांटिटी है और 42.8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम दे रखा है। ऊपर इन्होंने टॉप के अंदर बैरल सिलेक्ट लिखा हुआ है, इस ब्रांड इस वेरिएंट का नाम लिखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं बॉटल पे और देखते हैं बॉटल पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो दे रखी है।
सेम वही चीज़ जो बॉक्स पे है वही बॉटल पे लिखी हुई है, रॉयल स्टैग का नाम, वेरिएंट का नाम और सोलेरा प्रोसेस, बट बॉटल के ऊपर इन्होंने एंग्रेव किया हुआ है सीग्रम का जो लोगो है और एंग्रेव यहाँ पे भी करा हुआ है इन्होंने क्वालिटी सिंस 1857 एंड बैरल सेलेक्ट जो वेरिएंट का नाम है दोनों तरफ इन्होंने एंग्रेव करा हुआ है अलग अलग चीज़ें। और हम बैक साइड में देख लें तो बैक साइड के अंदर वही कंपनी का जो एड्रेस है, कंपनी का नाम है, सेफ्टी गाइडलाइन है, इंग्रेडिएंट जो इस हिस्ट्री के अंदर यूज़ किए गए हैं और उसके अलावा जो ब्रांड का प्रमोशन है वो कैप के जस्ट नीचे भी कर रखा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो बॉटल और बॉक्स पे दी हुई है। अब आ जाते हैं हम नोजिंग एंड टेस्ट के ऊपर कि क्या बोल रही है नोजिंग एंड टेस्ट इस विस्की का। सबसे पहले हम कलर की बात कर लेते हैं तो वॉर्म एम्बर कलर है इस विस्की का और मैं नोजिंग पे आ जाता हूँ डायरेक्टली कि नोजिंग क्या बोल रही है इस विस्की की आखिर। फ्रूटी एंड वुडी कैरेक्टर जो है, नोट्स जो है उसका मेरे को नोजिंग आ रही है इस विस्की के अंदर से और नो डाउट जो वुड्स का नोट्स है वो नोट्स वहीं से आ रहे हैं कि जिन बैरल्स जिन ओक्स के अंदर इस विस्की को रखा गया था एजिंग के लिए मैचुरेशन प्रोसेस के लिए उसके नोट्स मेरे को आ रहे हैं और बहुत ही थोड़ा बहुत हल्का मेरे को इसके अंदर स्मोक के नोट्स भी आ रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दिस विस्की, टेस्ट करके देख लेते कि बैरल स्लेट का टेस्ट आखिर कैसा है। देखिए पहले मैं स्मूथनेस की बात कर लेता हूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ रॉयल स्टैग विस्की से तो उससे तो ये विस्की स्मूथ है बट जिस तरीके से बैरल के अंदर विस्की को रखा जाता है उतना स्मूथनेस मेरे को इस विस्की में जो टेस्ट है वो नहीं आ रहा है। स्मोक के थोड़े बहुत फ्लेवर्स आ रहे हैं मेरे को और विस्की जब ये गले से उतरी है तब मेरे को थोड़ा बहुत ओक का फ्लेवर इस विस्की ने दिया है। नो डाउट अगर मैं रॉयल स्टैग से कंपेयर करूँ तो मैं इसी विस्की को चूज़ करूँगा बट जिस हिसाब से विस्की का मैचुरेशन एंड सोलेरा प्रोसेस के बारे में बताया गया है उस हिसाब से मेरे को विस्की मतलब उतनी नहीं अच्छी लगी है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, जितनी चीज़ें इस विस्की के ऊपर लिखी हुई थी बट एवरेज विस्की है। अगर मैं स्वीटनेस की भी बात करूँ तो मीडियम स्वीट विस्की है रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट। तो अब हम कर लेते हैं रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट की अनबॉक्सिंग। बहुत ही बेहतरीन बॉक्स है, प्लास्टिक का कवर यूज़ किया गया है, गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज़ की गई है इसके अंदर। अगर हम आउटर बॉक्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है ये। सीधा हम डायरेक्टली बॉटल के ऊपर आ जाते हैं। बॉटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तो वाइड है बट यहाँ से इतनी वाइड नहीं है, एक्चुअल में टैपर्ड शेप बॉटल है ये। ब्रांडिंग बहुत ही अच्छी करी गई है बॉटल की, एंग्रेव किया गया है बैरल सेलेक्ट ब्रांड का नाम यहाँ पे। अब इस बॉटल को हम ओपन कर लेते हैं, देख लीजिए आप कैप के ऊपर भी इन्होंने अपना जो ब्रांड है उसको मार्क कर रखा है, यहाँ से इसकी सील ब्रेक होगी। और ये सील ब्रेक करती है हमने रॉयल स्टैग बॉटल की, इसको हम एक बार ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं। अब तो ये थी अनबॉक्सिंग रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट बॉटल की। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस विस्की को बनाने के लिए सोलेरा प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, सोलेरा प्रोसेस का यूज़ किया गया है बट आखिर क्या होता है सोलेरा प्रोसेस, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि सोलेरा प्रोसेस क्या होता है और उसके तरीके से विस्की को कैसे बनाया जाता है। सोलेरा प्रोसेस के अंदर एक बैरल को दूसरे बैरल के ऊपर जमाया जाता है, जो सबसे ऊपर बैरल होता है उसके अंदर मैच्योर विस्की होती है, उससे नीचे वाले बैरल में कम मैच्योर विस्की होती है। उसके बाद जब नीचे वाले बैरल से मैच्योर विस्की को निकाल लिया जाता है तो ऊपर वाले बैरल से उस बैरल को रिफिल कर दिया जाता है, ऐसे ही ऊपर से नीचे और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। और एक पर्टिकुलर बैरल में भरने के बाद इस विस्की को फिर बॉटलिंग करी जाती है और बॉटलिंग करने के बाद इसको मार्केट के अंदर लाया जाता है, ये होता है सोलेरा प्रोसेस। अब दोस्तों आ जाते हैं ब्रांडिंग एंड प्रमोशन पे कि कंपनी ने कौन सा ब्रांडिंग एंड प्रमोशन यूज़ किया है, कौन सा फंडा, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करी है इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। तो कंपनी ने यूज़ किया है रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट शॉर्ट फिल्म्स, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती है और इन्होंने एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जो अल्कोहल के हैं उन्होंने रियल वर्ल्ड को टच करा है, इन्होंने टच किया है डिजिटल वर्ल्ड को। अभी आपने लॉकडाउन के अंदर देखा ही होगा कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, अल्ट बालाजी करके कितने सारे प्लेटफॉर्म्स से जो बूम पे चले गए बिकॉज
इन्हीं का अब ट्रेंड आ रहा है। YouTube भी एक हमारा एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं कि जहाँ पे आप शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हैं और ये कंपनी शॉर्ट फिल्म इसी ब्रांड के नाम से बनाती है, तो प्रमोशन का बहुत ही अच्छा इनको एक जरिया मिल गया और इस तरीके से ये कंपनी अपने इस ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं। अब प्राइस एंड क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। प्राइस इस विस्की की राजस्थान में है 780 रुपये और क्वांटिटी है इसकी 750 ml। सो दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट विस्की की। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखिए, और आप कौन सी बॉटल की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। हालांकि मेरे पास कई सारे नाम आ रहे हैं, मैंने मेरे नोट्स के अंदर लिख लिए हैं उनको, और मैं जल्द ही वन बाय वन करके बॉटल्स को अनबॉक्स करूंगा और कर भी रहा हूं। रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट भी उनमें से एक की ही डिमांड थी। तो जाने का वक्त हो गया है, टाइम टू से गुड बाय। आता हूं जल्दी नए एपिसोड के अंदर नई बॉटल को अनबॉक्स करने के लिए। तो बाय बाय, शब्बा खैर, खम्मा गणिसा।